रेत तस्करों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसते हुए नाकाबंदी कर कामठी रोड स्थित उपलवाड़ी में रेत से भरे चार डंपर पकड़े हैं। इन वाहनों के चालक और क्लीनर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर राजस्व विभाग को मामला सौंपा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चालक और क्लीनर राजेश सिंगन जोड़े उम्र 40 वर्ष, प्रवीण संतापे उम्र 33 वर्ष, कृष्णा सोनवाने उम्र 33 वर्ष और महादेव डोंगरवार उम्र 29 वर्ष है। ये लोग भंडारा जिले के तुमसर तहसील के निवासी है। जोन क्रमांक 5 के उपायुक्त नीलोत्पल को गुप्त जानकारी मिली थी कि भंडारा और तुमसर से रेत से भरे डंपर गुरुवार और शुक्रवार की रात नागपुर आने वाले हैं। पुलिस ने कामठी रोड स्थित उपलवाड़ी में नाकाबंदी कर डंपर क्रमांक MH 36 AA 60 00 MH 36 AA 26 28 MH 36 AA 15 18 और MH 40 BL 74 78 को पकड़ा। तलाशी में सभी चार डंपरों में क्षमता से अधिक रेत भरी हुई पाई गई। इसके दस्तावेजों के बारे में भी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रॉयल्टी चोरी कर रेत लाई जा रही थी, जिससे उक्त लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच राजस्व विभाग को सौंपी गई है। वाहनों समेत लाखों रुपए का माल जब्त किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अनिल देशमुख के दिए गए निर्देशों के अनुसार नागपुर जिले में रेत माफियाओं के आतंक पर काबू पाया जा रहा है, किंतु भंडारा जिले में अब भी रेत तस्करों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। आए दिनों बड़े पैमाने पर अवैध रेती उत्खनन के प्रकरण बड़े पैमाने पर शुरू है। क्या जिलाधिकारी को इसकी खबर नहीं है? क्या जिलाधिकारी अवैध रेत उत्खनन पर नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिर शासन प्रशासन इस तरह क्यों मौन कर बैठी है? ये देखने वाली बात है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और Google Play Store से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।